हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके जो दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है, मतलब कि आपके जो करंट पर्सन है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहा है, मतलब जिसको आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस पर्सन का क्या इंटेंशन है, और साथ साथ उस पर्सन के इंटेंशन में क्या बदलाव होने वाला है। आज वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे, उनकी क्या करेंट फीलिंग रहेगी, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, वो आपको लेकर जो भी परसेप्शन है उनका कैसे बदल सकता है, और इस रिश्ते में क्या बदलाव हो सकता है, ठीक है। जिसके लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं आप आराम से देख सकते हैं। आप अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं, अपने करंट पर्सन के लिए, अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, किसी के लिए भी आप देख सकते हो, लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हो। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो मन में चल रहे पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या है उस पर्सन का इंतज़ार है, वेट है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको पता चलेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर है, तो डेफिनेटली आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। एंड यस, डेफिनेटली आप लोग किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। आपको ग्रेट डिस्काउंट भी मिलेगा एंड डिटेल रीडिंग भी मिलेगी। ऑलराइट, देखिए कार्ड्स तो बिल्कुल खतरनाक टाइप आ रहे हैं, एंड क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, बड़ा जोर का झटका टाइप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन को लगाए। कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, जाने दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, रेजोनेट बहुत कुछ करेगी, बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। वाओ, दैट्स ग्रेट। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्या बात है। आपके जो पर्सन है ना, वो भी कमाल के हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है इस इंसान का। ओके, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, LGBTQ कम्युनिटी है, कुछ भी है, आप सभी लोग देखिए, ठीक है। एंड देन है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका, क्योंकि ये जो एनर्जी है उसको कंप्लीट करता है। देन यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, आप देख सकते हो कि बड़ा अच्छा ये पर्सन चिड़चिड़ा टाइप या फिर गुस्सा टाइप महसूस करने वाले हैं, फील करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा तन्हाई, टेंशन, सारा चीज़ ही इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आपको लेकर नहीं, बल्कि अपने फैमिली लाइफ को लेकर, अपने ऑफिशियल लाइफ को लेकर, हर एक चीज़ में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक बुरी न्यूज़ नहीं आई, दूसरी जो है बुरी न्यूज़ आते चली जा रही है। तो मतलब ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा अटेंस्ड रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि इनका ध्यान पूरा का पूरा बट चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, कभी ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, कभी घर के बारे में सोच रहे हैं, कभी किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, कभी आपके बारे में सोच रहे हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा डीप सोच रहे हैं कि बिल्कुल चिड़चिड़ापन इसको होने वाला है। मतलब इनको ऐसा फील होगा कि आखिर तुमने मेरे दिलो दिमाग पे क्या कर दिया है, ठीक है। इनको ऐसा फील होने वाला है। ये इंसान जो कि आपको इस तरह से बीच मझधार में छोड़ के चले गए थे, या फिर अगर आपको तकलीफ़ में छोड़ के चले गए थे, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किए हैं, तो ये सारी बातें ना इनको बहुत ज़्यादा डिवाइन या यूनिवर्स फोर्स कर रहा है सोचने के लिए। और डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आपके बारे में ही, ठीक है। सोचते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा फील होगा कि क्यों मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि आप सोच रहे हैं ना, दैट्स वाई ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इंजरी भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि कहीं बाइक चलाकर जा रहे हैं, स्कूटी चलाकर जा रहे हैं, मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत इस पर्सन को चोट लग जाएगा, या फिर हेलुसिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। अचानक से हो सकता है गिर जाए कहीं, तो चक्कर वाली टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इल हेल्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मेंटली जो है ये बहुत ज़्यादा आज ये पर्सन डिस्टर्ब रह सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से रह सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन है अपने फैमिली को लेकर, आपको लेकर, और अपने ऑफिशियल प्रॉब्लम को लेकर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना, जो भी आपके साथ रिपीट हुआ है, जैसे झगड़ा हुआ, जो भी बातें हुई, उसको बहुत ज़्यादा दोहराने वाले हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आज ये पर्सन अपने अंदर जो निगेटिविटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। जितना निगेटिव आपके साथ इन्होंने व्यवहार किया, जितना बुरा व्यवहार किया, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में आ रही है, सारी बातें इनको सता रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपके साथ कुछ न्याय करने का सोचेंगे, लेकिन अभी ये खुद इतने ज़्यादा टेंशन में फंसे हुए हैं ना कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे डिसीजन लूँ, मैं अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ,
तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आज बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेंगे, ठीक है। और परेशानी में हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को याद आ रही है। ये पर्सन ऐसा सोच सकते हैं कि काश वो मेरे लाइफ में रहती तो वो मुझे संभाल लेती, वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेती, ठीक है, वो मुझे इन सारे टेंशन से निकाल देती। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा ही इनको बहुत ज़्यादा इन सारे प्रॉब्लम से, इन सारे टेंशन से निकालते आए हो, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहा है और बहुत तकलीफ़ में भी है। तकलीफ़ से ज़्यादा मुझे इस पर्सन के अंदर आज एंगर दिखाई दे रहा है। स्पेशली जो है 5 घंटे तक ये लगातार बहुत ज़्यादा चिचड़ेपन में रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि अपना कुछ काम जो है पीसी कंप्यूटर वगैरह से करते हैं, और बहुत ज़्यादा इस पर्सन के आईज़ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि या सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है, क्योंकि इनका कोई बनता हुआ काम जो है ना वो बिगड़ गया है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे स्पेशली दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस कुछ बहुत बड़ा धक्का लगा है, लॉस लगा है, लाइक थंडर बोल्ट टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस में कुछ बहुत बड़ा इनका घाटा लगने वाला है, या फिर घाटा लगा हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अफसोस में, आप देख सकते हो कितने तन्हा, कितने अकेले, कितने दर्द में दिखाई दे रहे हैं। मतलब तो ऐसा लग रहा है ना, इनको ये फील होने वाला है कि मेरे हाथ से, मेरे लाइफ से सारी चीज़ें जाते चली जा रही हैं, सारे लोग मेरे लाइफ से जाते चले जा रहे हैं। अच्छे लोग तो मैंने खुद ही अपने लाइफ से आउट कर दिया। तो मतलब ये पूरे लाइफ के बारे में, ठीक है, सारे एरियाज़ के बारे में सोचने वाले हैं। लाइक ये पर्सन आपके बारे में भी सोचेंगे। हो सकता है इन्होंने और भी बहुत सारे लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, अपने दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार किया, सभी लोगों से हो सकता है ये कुछ माफ़ी मांगने का प्लानिंग वगैरह करें। स्पेशली ये पर्सन आपको याद करने वाले हैं कि किस तरीके से इस पर्सन ने आपको बुरी सिचुएशन में छोड़ा, आपको तकलीफ़ में छोड़ा, और यूनिवर्स ने आज इस पर्सन की ऐसी हालत कर दी कि ये खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ठीक है। इनके जो बनते बनते हुए काम है वो बिगड़ जा रहे हैं, वो बर्बाद हो जा रहे हैं। तो मतलब इनको ये एहसास हो रहा है कि जो कर्म होता है ना, जो इंसान बुरा करता है तो उसको घूम के मिल ही जाता है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अफसोस की एनर्जी में है। इनको ये फील हो रहा है कि इनको कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इनको घूम के वो सारी चीज़ें मिली। उसके साथ साथ इनको ये भी फील हो रहा है, मतलब ऐसा इनको फीलिंग आने वाला है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये पर्सन आपके पास चले आए, दौड़ के आए आपके सामने, आपके कदमों के पास जो है बैठ जाएँ, आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए, आपको गले लगा ले। ऐसी वाली इस पर्सन की फीलिंग रहने वाली है। और ये पर्सन चाह रहे हैं कि सब कुछ, जैसे फैमिली वगैरह हो गया, ऑफिस हो गया, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसे ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस पे बस जाएँ जहाँ सिर्फ आप हो और जहाँ सिर्फ ये हो, ठीक है। ऐसे इस पर्सन की इंटेंशन रहेगी आज। और ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कॉल मैसेजेस करने वाले हैं 8 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर ये इस रीडिंग को देखने के बाद ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। ये ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे वादा भी कर दें, ठीक है, बहुत टेंशन में रहेंगे, बहुत सारे वादा भी कर सकते हैं आपसे, और ये भी बोल सकते हैं कि अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको कहेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। और डेफिनेटली ये कोई आपको फुसलाने के लिए, बहकाने के लिए नहीं बोलेंगे, गुमराह करने के लिए नहीं बोलेंगे। इनको वो चीज़ एहसास हो चुका है कि सब लोगों ने मुझे पीठ दिखा दिया, सब लोगों ने मुँह मोड़ लिया, ठीक है, और इसी वजह से ये पर्सन आपको फील कर पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं कि आप ही वो इंसान थे जो कि आप हमेशा इस पर्सन के साथ रहते थे, आप कभी नहीं छोड़ के इस पर्सन को जाते थे, है ना। इसीलिए ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। मतलब इस ऐसे बैड सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशन में इस पर्सन को ये फील होने वाला है कि मेरा कोई अपना नहीं है, अपना है तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, ठीक है। आपके लिए रीडिंग हो रही है और आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट पे भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन है आपको मिले होंगे, ठीक है, ऑनलाइन मिले होंगे, और ये पर्सन आपसे ट्रैवल करके मिलने का सोच सकते हैं, आने का सोच रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है कॉल पे बात नहीं बन पाएगी, अब हमें मिलके ही बातें करनी होगी, मिलके ही जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ ये पर्सन सोचने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए कितना भी दरिया पार करना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े, ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा सोच रहे कि चलो मैं एक बार मिल लेता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि इसके जैसा इंसान मुझे अपने लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी गलतियों का एहसास हो रहा है। सबसे बड़ा तो ये एहसास हो रहा है कि कोई रहता नहीं है इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप ही थे जो कि इनको समझते थे, प्यार करते थे, बाकी सब तो इनको छोड़ के चला गया। तो ये चीज़ है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छी चीज़ें भी आपको लेकर सोचने वाले हैं। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ घर बसाने का सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जब सोने वाले रहेंगे तो इन बहुत ज़्यादा विजुलाइज़ करेंगे, बहुत सारे ड्रीम्स देखेंगे कि काश हम साथ होते, काश हम ऐसे जगह पे होते, बीच पे होते जहाँ पे हम साथ में है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारे बेबीज़ भी है, शादी भी हो गई है। तो इस तरह की फीलिंग भी इस पर्सन की होने वाली है। उसके साथ साथ ये पर्सन
ऐसा सोचने वाले हैं कि आप फिर से इस पर्सन को उसी तरह प्यार करने वाले हो जैसे पहले करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये भी फील होने वाला है कि आप इस पर्सन को छोड़ चुके हो। सारे होप भी हो सकता है कि ये पर्सन खो चुके हैं, डर बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के मन में, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस करके ट्राई करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि छोड़ने का रीज़न क्या रहा होगा। तो जिस वक्त ये पर्सन आपको छोड़े होंगे उस वक्त इनको ऐसा लगा होगा कि मैं तो किसी और के साथ घर बसा लूँगा, मैं किसी और के साथ चला जाऊँगा, मैं किसी और के साथ इंजॉय करने लगूँगा लाइफ को। लेकिन कुछ ऐसा हुआ ना कि बाजी पूरी तरह पलट गई, थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को धोखा दे दिया और इस पर्सन को तब समझ में आया कि मैं बहुत गलत कर रहा था। मतलब ये पर्सन आपको पीठ दिखाए और जितने भी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा गया, ठीक है, उस थर्ड पार्टी ने इसको पीठ दिखा दिया। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है अब एकदम होश ठिकाने आ चुका है, ठीक है, और क्या सोच रहे हैं तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये पर्सन जो है ना अब चाहते हैं कि ये रिश्ता को ब्यूटीफुल बनाया जाए और बिल्कुल रूट से, ठीक है, मजबूती से इस रिश्ते को ठीक किया जाए, ऐसा ये पर्सन सोचना चाह रहे हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक पेड़ को, पेड़ पे कितना मेहनत किया जाता है, ठीक है, एक पौधे पे मेहनत किया जाता है तब वो जाके पेड़ बनता है, फल देता है। तो एग्जैक्टली ये रिश्ते को भी वैसे ही ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं या फिर कोई ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैंने आपको बताया, इंटेंशन इस पर्सन का यही है कि ये पर्सन चाहे आपसे कितने भी दूर हो या फिर बगल में ही हो, नज़दीक भी हो, तो ये पर्सन का बहुत ज़्यादा आज दिल करने वाला है आपसे मिलने का, ठीक है, बैठकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मतलब ये चाह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जिससे मैं अपनी दिल की हर एक बातें शेयर कर सकूं। सो और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उस पर्सन के अंदर क्या बदलाव होने वाला है, इस रिलेशनशिप को लेकर इस पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के अंदर क्या बदलाव आएंगे, उस रिश्ते को लेकर क्या स्टेप ले सकते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ एयर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है चाहे कोई भी स्टेप ले बहुत ग्रेट स्पीड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये अब आपके बिना नहीं रह सकते। मतलब इनका ऐसा सिचुएशन होने वाला है कि सबसे पहली बात तो इनके लाइफ में कोई रहा नहीं और इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी बातें कौन सुनेगा, मुझे शेयर, मैं किससे अपनी सारी बातें शेयर करूँ, ठीक है, मुझे कौन समझेगा। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता और दैट्स वाई ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत केयरफुल हो रहे हैं। ये बदलाव इस पर्सन के अंदर हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन दे रहे हैं जिसके वजह से आपका रिश्ता इम्प्रूव हो रहा है, सुधरते हुए दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अगर इन थक भी जाएँ, ठीक है, बिल्कुल हार भी जाएँ, बहुत ज़्यादा फिजिकली हार जाएँ, ठीक है, तब भी ये पर्सन जो है ना आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ ही रिश्ता जो है क्रिएट करेंगे, ब्यूटीफुल बनाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, देखिए इस रिश्ते को लेकर इस पर्सन के अंदर कुछ इस तरह भी बदलाव हो रहा है कि ये जो पर्सन है सबसे पहली बात इनको ये एहसास हो रहा है कि आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिलेगा। ये इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को प्यार करते हैं, ठीक है, और आपने बहुत ग्रेसफुली, बहुत ग्रेटफुली जो है इस पर्सन को प्यार किया, अप्रिशिएट किया, हर तरीके से हेल्प किया। लेकिन हो सकता है इन्होंने कभी भी आपको हेल्प नहीं की, कभी भी प्यार नहीं किया, तो इस बात का भी इस पर्सन को एहसास हो रहा है और इसी वजह से ये जो पर्सन है कोई नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं जिसमें कि ये पर्सन आपको फील कराएंगे कि सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे लाइफ में हो और कोई मेरे लाइफ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम ही स्पेशल हो मेरे लिए। उसके बाद और क्या ये पर्सन आपको फील कराएंगे, क्या चेंजेस होंगे इस पर्सन के अंदर, मैं आपको बताती हूँ। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे नाइन ऑफ वाटर की एनर्जी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना यही आपके लाइफ के लव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का हो जिसमें कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन यही वो पर्सन है जो कि एक टाइम आएगा तो समझेंगे भी, जैसे कि आपका लव जो है वो फेडेड हो गया, लेकिन यही लव जो है बहुत निखर रहा है, रेनबो जैसा ब्यूटीफुल हो रहा है आपका लव लाइफ इसी पर्सन के साथ। और यही वो पर्सन है जो कि ये सपना देख रहे हैं कि आपके जितने भी विशेस हैं, सपने हैं, वो पूरा कर सके। तो इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि यही वो पर्सन है आपके लव के, जो लाइफ के लव होंगे उसके साथ साथ आपके सारे विशेस पूरे करेंगे जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। उसके बाद और देखते हैं इस पर्सन के अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर क्या बदलाव होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर, क्या बदलाव होंगे। तो यहाँ पे है आपके लिए टेन ऑफ वाटर की एनर्जी। मतलब ये जो पर्सन है ये हमेशा से ही आपको अपना फैमिली जैसा माने हैं, ठीक है, और अगर नहीं माने हैं
तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एकदम फैमिली जैसा मानने वाले हैं। ये पर्सन आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। इनको क्या लगा था कि अगर वो आपको छोड़ के चले जाएंगे तो इनकी इमोशनल नीड्स जो है ना वो कोई भी पूरा कर देगा, लेकिन अब इनका दिमाग ठिकाना आ रहा है और अब इनको समझ में आ रहा है कि आप ही वो इंसान हो जो कि इनके इमोशनल नीड्स को पूरा कर सकते हो। शायद इनका मन किसी और की तरफ लगा ही नहीं, ठीक है। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, सब जगह ट्राई कर लिया, लेकिन अब इस पर्सन का कहीं मन नहीं लगता। इस पर्सन का मन सिर्फ और सिर्फ आप में लगता है और इनको पता है कि आप एक बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, ठीक है। आप ही वो इंसान हो जो कि इस पर्सन को ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप दे सकते हो। ये सारी बातें इनको एहसास होने वाली है, ये सारी बातें ये पर्सन फील करने वाले हैं और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस पर्सन का करेंट फीलिंग ये रह सकता है, ये इंटेंशन रह सकता है कि ये पर्सन इस रिश्ते को फिर से ट्रस्टवर्दी बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो भी आपके इमोशनल नीड को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इवन ये पर्सन जो है आपके मटेरियलिस्टिक नीड्स को भी पूरा करना चाह रहे हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। सो, यहाँ पे आपके लिए है नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी। मतलब आपके ये जो पर्सन है आज तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी फील करने वाले हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं आपके कार्ड में। उसके बाद ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक भी रहेंगे, बहुत इस पर्सन का आपके ऊपर प्यार आने वाला है। उसके साथ साथ फिर से ये आपके प्यार में फटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मे बी इनके मन में कुछ प्लानिंग चल रही है, जैसे कि ये पर्सन आपको वेडिंग प्रपोजल देना चाह रहे हैं, ये पर्सन रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं, तो ऐसा इनका कुछ थिंकिंग रहने वाला है। उसके बाद और क्या थिंकिंग रहने वाली इस पर्सन की देख लेते हैं। ओके, हाई प्रिस्टेस, मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपसे जो भी बातें छिपाई हैं वो सारी बातें आपको अब बताने वाले हैं। तो आप दोनों के बीच में जो भी मिस्ट्री सा क्रिएट हो चुका है वो उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनको ये एहसास हो चुका है कि जब तक हमारे बीच में ये जो मिस्ट्री बना हुआ है ना, ठीक है, यही हमारे जो है जड़ है, टेंशन का जड़ है, उसको ख़त्म करना है। तो ऐसे इस पर्सन की थिंकिंग रहने वाली है। सो, अब देखते हैं कि इस पर्सन के लिए की तरफ से आपके लिए क्या चैनल मैसेज है, क्या चैनल मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, आई विल नॉट बेग यू फॉर ओके टू स्टे। ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बेग नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ रहो, ठीक है, लेकिन ये चाहेंगे कि आप अपने मर्जी से, ठीक है, आपकी जो दिल की इच्छा है आप वही करें, ठीक है। आपके ये जो पर्सन है, अब ये पर्सन कभी भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश नहीं करेंगे। इनका बस यही होगा कि मतलब कोशिश अपने तरफ से पूरा ये करेंगे कि आप इनके लाइफ में रहो, ठीक है, और बेग नहीं करेंगे, बस ये चाहेंगे कि आप जो है ना, क्योंकि कोई भी किसी के सामने बेग करेगा तो वो स्टे मतलब रुक ही जाएगा, ठीक है। तो यही चाहते हैं कि तुम अपने मन मर्जी से रुको, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा या फिर पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है, ये इनका कहना है। उसके बाद ये क्या कहना चाहते हैं, देखिए इनका कहना है, आई वॉज सेल्फिश, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुका था, ठीक है, पर अब मैं सेल्फिश नहीं हूँ, अब मैं बदल रहा हूँ। ऑलराइट, उसके बाद और क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन देख लेते हैं। देखिए ये पर्सन कहना चाहते हैं, आई वंडर व्हाट इट फील टू बी मैरिड विथ यू। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी और से मैरिड हैं, ये किसी और के साथ मैरिड हैं, मतलब ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं कि काश मेरी शादी तुमसे होती और होती तो शायद कितना अच्छा फीलिंग होता, ठीक है, वो चीज़ ये फील कर रहे हैं। उसके बाद ये पर्सन और क्या फील कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहना सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन अभी। इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीज़न। यहाँ पे ऐसा है, ये कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ भी डिफ़िकल्ट डिसीज़न हो मैं लेकर रहूँगा। और ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपसे अलग होने का डिसीज़न लिया, ठीक है, ऐसी कोई बात है जो कि ये छिपा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब ये खुद भी हो सकता है आपसे अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन ये इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न था जो कि इनको लेना पड़ा, और अब आपसे अलग होके शायद वो भी खुश नहीं है, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या कहना चाहते हैं। ओके, डू यू स्टिल हेट मी, ये पूछना चाहते हैं कि क्या तुम अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने दिल से सारे नफरत को मिटा दो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ रिकॉन्सिलेशन करने, तुमसे प्यार करने, तुम्हारे साथ घर बसाने। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, दिस वन,
why I can't move on just the way you did so easily. देखिए कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर चुके हो. क्यों मैं नहीं मूव ऑन कर पाया इतनी जल्दी जितना तुम मूव ऑन कर चुकी हो. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई एम डाइंग टू सी यू. मैं बिल्कुल मरे जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ अभी, जस्ट अभी, चाहे कैसे भी, पर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ. उसके बाद ये कहना चाहते हैं इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट ओवर यू, फाइनली आई फाउंड समवन बेटर. ठीक है, तो ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा जेलस फील कराने के लिए ये लव लेटर देना चाहते हैं कि हाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल था लेकिन मैं ओवरकम कर चुका हूँ. ठीक है, मैंने किसी और को खोज लिया है अपने लिए. तो ये सारा हो सकता है कि आपको जेलस फील कराने के लिए बोल रहे हो. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन की तरफ से, दिस वन, आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू. ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ. ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ. उसके बाद ये पर्सन कहना चाहते हैं आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट. ठीक है, उसके बाद ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं आई विल वेट फॉर यू. चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर रहो, मुझे ब्लॉक कर दो या कुछ भी करो, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा. ठीक है, एंड इनका क्या कहना है देख लेते हैं. प्लीज़ गॉड गिव मी अ ग्रेट मैसेज. ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड मी. ये कहना चाहते हैं कि शायद तुम मुझे समझोगी, क्योंकि हो सकता है ये तो अपने दिल की बातें जल्दी कह नहीं पाते, लेकिन इनका ये कहना है कि शायद तुम मुझे समझ जाओ. बिना कहे हुए हो सकता है कि तुम मेरी बातों को समझ जाओ, तब तो समझ में आएगा कि या तुम्हारी तरफ से भी ट्रू लव है. तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनके दिल में बहुत सारी सी बातें हैं लेकिन ये पर्सन आपको बोल नहीं पा रहे. क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत डरते भी हैं, बहुत सारा फैमिली सोसाइटी प्रेशर भी है, इस वजह से ये सारी बातें आपके सामने नहीं बोल पा रहे. लेकिन मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से चेंजेस होगा इस पर्सन के अंदर. एंड यहाँ पे कहना चाहते हैं बॉटम ऑफ द डेक है आई वॉन्ट टू सी यू. वो पर्सन अभी आपको देखना चाह रहे हैं जो भी आपके दिमाग में चल रहा है. सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके जो पर्सन है वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. ठीक है, इस पर्सन का क्या मूव हो सकता है. मतलब अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन में है, इनका कोई काम नहीं हुआ है, जो काम अच्छा खासा चल रहा था वो बर्बाद हो गया. ठीक है, तो थंडर बोल्ट टाइप इस पर्सन को लगा है, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा. चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है. और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर है, तो सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं. किसी भी टॉपिक में आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. ठीक है, और लिमिटेड है, सो सभी लोग जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए. ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी.